अच्छा, लास्ट लेक्चर का कोई डाउट है क्या? अच्छा, सवाल ये था कि देयर इज एन आइस क्यूब फ्लोटिंग इन वॉटर, और सम पार्ट इज आउटसाइड द वॉटर लेवल ऑफ वॉटर इन द बीकर इज एट दिस पॉइंट, कुछ मार्क पे है। Whole ice melt, what will happen? What will happen to level of water in the beaker? और इसका आंसर था will remain same। इसको प्रूफ किया था, since it is floating, so ऊपर में लग रहा है buoyancy force और नीचे लग रहा है इसका वेट mg। फ्लोटिंग का कंडीशन बच्चों यही होता है, बी इज इक्वल टू एम जी। जो वॉल्यूम सबमर्ज है जो पार्ट, लेट्स दिस इज वी डैश, टोटल वॉल्यूम इज वी, तो बॉयंसी फोर्स हो जाएगा बच्चों वी डैश रो डब्ल्यू इंटू जी, टोटल मास हो जाएगा आइस का, टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइस इंटू रो ऑफ द आइस इंटू जी। दिस इज इक्वेशन वन। मैंने बात किया था इसमें इफ द होल आइस मेल्ट वो कितना वाटर बनाता है। अगर सपोज इतना वाटर बनाता है ये सबमर्ज पार्ट के वॉल्यूम के बराबर, तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा, लेवल विल रिमेन सेम। So let's it forms V double dash volume of the water. अगर V double dash जो है V dash के equal है, level will remain same. अगर V double dash greater than V dash होगा, इतने में एडजस्ट नहीं होगा, क्या होगा इससे ज्यादा चाहिए तो इतने में नहीं होगा, तो और ऊपर जाएगा, तो लेवल विल इंक्रीज, अभी तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए होंगे, बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए, 47। और फिर बताया था कि अगर V double dash less than V dash होगा तो ये यहां तक ही फिट होगा, तो इसको और इधर से वाटर आके फिल करेगा, लेवल विल डिक्रीज। तो ये आइडिया था। अब मुझे ये चेक करना है कि ये V double dash है क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि ये या ये। वी नो दैट If the whole ice melts, mass will remain same. So mass of the ice is equal to mass of the water form. This is the concept. Mass of the ice क्या हो जाएगा? Total volume V. Go. Mass of the formed water क्या हो जाएगा बच्चों? V double dash. इंटू वाटर का डेंसिटी। दिस इज इक्वेशन टू। इक्वेशन वन एंड टू से देखो,
इतना इज इक्वल टू ये है, इतना इज इक्वल टू ये है, तो v डबल डैश इज इक्वल टू v डैश, दैट मींस फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड. दिस इंप्लाइज लेवल विल रिमेन सेम. बच्चों इसमें अब सवाल आता है, ये तो क्लियरली सबको समझ में आ गया, रट्टा भी मार लेते हैं, टेंथ में भी टीचर्स पढ़ा देते हैं इसको. सवाल ये आता है कि इस पे ना एक क्वाइन रख देते हैं, क्योंकि आईआईटी ने पूछ चुका है तो मेडिकल वाले भी पूछ सकते हैं, और ये समझना थोड़ा मुश्किल है, याद कर लेना मेडिकल वालों, अगर नहीं समझा तो कोशिश करूंगा समझाने का. इस पे एक क्वाइन रख दिया, तो बताओ ये आइस थोड़ा नीचे और जाएगा, क्योंकि इस क्वाइन के वेट को भी तो बैलेंस करना है, जाएगा कि नहीं? पहले फ्लोट कर रहा था जहां भी था, अगर हम क्वाइन रख देंगे तो आइस विल गो डाउन, वाटर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा. क्यों वाटर डिस्प्लेस कर रहा है? बिकॉज इसके वेट को बैलेंस कराना है. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. अब अगर मैं बात करूं कि इस क्वाइन के कारण ये आइस कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, क्वाइन के वॉल्यूम के बराबर या उससे ज्यादा? ये जो वाटर डिस्प्लेस होगा क्वाइन रखने के कारण, आइस के थ्रू जो वाटर डिस्प्लेस होगा, उस वाटर का वॉल्यूम क्वाइन के एक्चुअल वॉल्यूम के बराबर होगा या क्वाइन के वॉल्यूम से ज्यादा होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा, ज्यादा होगा. बहुत बढ़िया, बिकॉज जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है. किसके वेट को? क्वाइन के वेट को. इक्विलिब्रियम में है ना, तो अपने वेट के बराबर वो वाटर को डिस्प्लेस कराएगा थ्रू द आइस, मतलब ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा. अगर मैं कहूं कि अभी ये क्वाइन बच्चों यहां रखा हुआ, समझना, आईआईटी ने पूछा कि क्वाइन यहां रखा हुआ और क्वाइन को किसी ने पुश कर दिया, थोड़ा सा पुश कर दिया और क्वाइन ऐसे नीचे गिर गया, तो लेवल ऑफ वाटर विल हैपन टू, वाटर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा? डिक्रीज. डिक्रीज कर. कोई बच्चा सोचा सर क्वाइन यहाँ पे है, जब इसमें आएगा तो क्वाइन यहाँ पे आ जाएगा, कुछ वाटर ये डिस्प्लेस कराएगा, तो कोई कह दिया इंक्रीज हो जाएगा. कोई सोचा कि ये क्वाइन यहाँ पे है तो ये आइस नीचे है, जब क्वाइन हट जाएगा तो आइस ऊपर चला जाएगा, इसलिए लेवल डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन समझना दोनों फैक्टर. सोचो कि जैसे हमने क्वाइन को ऊपर उठाया बच्चों, ये जो है ना ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये लेवल ना थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, नीचे चला जाएगा. क्वाइन को हाथ में ही रख लिया, उठा लिया. अब इस क्वाइन को वापस इसमें प्लेस कर दिया, अगर प्लेस किया तो ये लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा. क्यों थोड़ा सा ही बढ़ेगा? बिकॉज अपने वेट के बराबर, सॉरी अपने वॉल्यूम के बराबर ये वाटर डिस्प्लेस करेगा जब खुद सिंक हो गया तो, इसलिए ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा. दैट मीन्स पहले यहां था, बाद में जैसे ही क्वाइन ऊपर उठाया तो यहां आ गया, क्वाइन वाटर में डाल दिया तो यहां जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा. सो ओवरऑल क्या हुआ है? डिक्रीज. तो जितना बच्चों को समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया याद करना. तो मैंने कहा कि क्वाइन को किसी ने पुश कर दिया, ये आईआईटी ने पूछा, बट फेमस सवाल ऐसे है कि क्वाइन रखा हुआ था, क्वाइन का डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, इसलिए हमने कहा कि अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करा रहा है.
दैट्स व्हाई लेवल फाइनली वो डिक्रीज करेगा. क्वेश्चन इज कि द होल आइस मेल्ट्स. तो लिखो एन आइस ब्लॉक nice block floating with a coin on its top. Now the whole ice melts. Now the whole ice melts. Find then level of liquid increase, decrease, remains constant. क्या होगा? Answer will be it will decrease. Solutions क्या लिखेंगे? Initially, coin इसका सॉल्यूशंस भी लिख दे रहा हूं पूरा नोटबुक नोटबुक पर लिखना. इनिशियली क्वाइन डिस्प्लेसेस वाटर डायरेक्टली नहीं थ्रू आइस विच इज इक्वल टू इट्स वेट. अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस करा रहा है. दैट इज मोर देन इट्स ओन वॉल्यूम. इट्स वॉल्यूम मतलब क्वाइन के वॉल्यूम. व्हेन ice melts, the coin will sink. In this case, it is displacing water equal to its volume. That is less than the earlier case. Hence, अब इतना समझदारी डेवलप हो गया होगा. Hence, level of water will decrease. So, बच्चों मैं कोशिश किया समझाने का. मैं भी समझ में आ गया होगा. कम से कम लिख लो दोबारा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. बच्चों ये समझ में आ गया कि क्वांट यहाँ पे है इसको डिप मेल्ट हो गया तो ये क्वांट सिंक हो जाएगा इसलिए लेवल ऑफ द वाटर विल डिक्रीज. अब अगर कोई सवाल कर दे क्वांट जिसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है उसके जगह पे एक वुडन ब्लॉक रख दे. और अब कहे कि लेवल नाउ द होल आइस विल मेल्ट. व्हाट विल हैपन टू लेवल ऑफ द लिक्विड. वुडन ब्लॉक का डेंसिटी कम है वाटर से. प्रथमेश क्या आंसर? रिमेन सेम. क्या बात है. तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट निकले यार. हम तो जाल बिछाए थे फंसाने के लिए. तुम लोग ना फंसे नहीं. मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या बोलता है कॉमन सेंस से
कि इसका डेंसिटी ज्यादा था तो लेवल डिक्रीज हुआ, उसका डेंसिटी कम है तो लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन लेवल विल नॉट इंक्रीज, लेवल विल रिमेन सेम. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि जब वुडन ब्लॉक आइस पे है, फ्लोट कर रहा है, तो अभी वो अपने वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस कर रहा है. जब आइस मेल्ट हो गया तो वुडन ब्लॉक डायरेक्टली पानी में आ जाएगा, और तब भी वुडन ब्लॉक फ्लोट ही करेगा, सो स्टिल इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, फ्लोट कर रहा है. सो दोनों केस में सेम ही सिचुएशन है, सो लेवल विल रिमेन सेम बिकॉज आइस के कारण तो कोई चेंज नहीं हो रहा है. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. अब मान लो ये वाटर है और वाटर में आइस जो है, आइस का डेंसिटी सपोज 0.9 दे दिया है रो डब्ल्यू, और ये लेट्स की हाइट एच इज इक्वल टू दे दिया है 20 सेंटीमीटर. एक आइस क्यूब है, क्यूबॉइड है, जिसका हाइट 20 सेंटीमीटर है, और ये फ्लोट कर रहा है. कैन यू टेल मी कि कितना हाइट वाटर के सरफेस के ऊपर अवेलेबल होगा? आइस क्यूब फ्लोट कर रहा वाटर में, जिसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर. फाइंड हाइट अबव द वाटर सरफेस. ओके सर, बहुत ही सिंपल सा है. अरे एडमिट क्यों हो रहा है? एक बच्चा एडमिट नहीं हो पा रहा. So, मैंने कहा था बच्चों कि क्या आया था, डेंसिटी वॉल्यूम सबमर्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू रो बाई रो डब्ल्यू, ऐसा कुछ आया था. वॉल्यूम सबमर्ज क्रॉस सेक्शन इन टू हाइट के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको लिखा था एच डैस अपॉन एच, दैट इज इक्वल टू 0.9. एच डैश आ गया था एच इंटू 0.9, 18 सेंटीमीटर. सो ये एच कितना आ जाएगा बच्चों? सॉरी, इसको कैपिटल एच लिख लेता हूं. सो स्मॉल एच जो आ जाएगा, कैपिटल एच माइनस एच डैश 2 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? Now, kerosene oil is poured in the beaker. Kerosene oil is poured in the beaker. Up. Fraction of volume submerged in water of will increase or decrease or remain constant. Then fraction of volume submerged of ice in water will
क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि रिमेन कांस्टेंट होगा? ठीक है, तो दूसरा सवाल ये है, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है बच्चों, सीखो इसको। कोई कहेगा सर इट विल रिमेन कांस्टेंट, जैसे मैंने किरोसिन ऑयल पुट कर दिया, कोई कहेगा सर ऐसा ही रह जाएगा। सुनना, अगर ऐसा रह गया तो ये बॉयंसी फोर्स वाटर का डिस्प्लेस वॉल्यूम सेम है, तो बॉयंसी फोर्स वाटर के कारण प्लस ये लिक्विड के कारण भी तो लगेगा, बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा, mg से ज्यादा हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं। तो क्या हो जाएगा, mg जैसे ही ज्यादा होना चाहेगा, और ऐसे कहो कि जैसे ही वाटर यहाँ पे किरोसिन ऑयल पुट किया, ये बेस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा बच्चों, ऊपर थोड़ा सा जाएगा कि नहीं। तो अब वाटर में कुछ कम संबर्स होगा पहले से, और कुछ ऑयल में होगा, और दोनों के कारण जो टोटल वेट डिस्प्लेस होगा लिक्विड का, दैट विल बी बैलेंस बाय वेट। बच्चों ये सबको क्लियर हुआ क्या कि लेवल विल गो अप, सॉरी द आइस ब्लॉक विल राइज, सो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा इन वाटर, आंसर विल बी डिक्रीज। अब एक सवाल लेता हूं बच्चों, मैं थोड़ा टफ सवाल ही कराता हूँ, इजी इजी सवाल तो तुम्हें खुद से करने हैं जो बुकलेट्स में है। सो सवाल नेक्स्ट लिखो, व्हाट शुड बी मिनिमम कॉलम लेंथ ऑफ वाटर, सॉरी कॉलम लेंथ ऑफ ऑयल दैट शुड बी पोर्ड to submerge ice completely. कितना हम वाटर क्रोसिन ऑयल पुट करें कि ये पूरा सबमर्ज हो जाए, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए। कोई कहेगा, एक आंसर दिया रहेगा बच्चों की पहले 2 सेंटीमीटर बाहर था तो 2 सेंटीमीटर ही पुट करेंगे, लेकिन तुम्हें पता है जब 2 सेंटीमीटर पुट करेंगे ना तो ये आइस थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा और पुट करेगा। सो मान लो ये हाइट हो गया h1, h1 हाइट हो गया, और ये दिया रहेगा किरोसिन ऑयल का डेंसिटी दिया रहेगा, लेट्स 0.6 रो डब्ल्यू है, कहोगे सर h1 हाइट पुट किया ना तो सब जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज हुआ है। अब बता चुके वाटर फ्लोट कर रहा है, सॉरी आइस फ्लोट कर रहा है, तो बॉयंसी फोर्स होगा वो इसके वेट के बराबर होगा। बच्चों ये अच्छा से सवाल है, दो बार देखोगे तभी क्लियर होगा। बॉयंसी फोर्स किसका किसका होगा बच्चों, वाटर का प्लस किरोसिन ऑयल का, सो v1 इनटू रो डब्ल्यू, v1 वॉल्यूम इसमें, दिस इज द बॉयंसी फोर्स, डिस्प्लेस लिक्विड वाटर का प्लस डिस्प्लेस लिक्विड किरोसिन ऑयल का, दिस इज इक्वल टू mg, v1
अगर ये हाइट h1 है और ये 20 सेंटीमीटर है तो कितना वॉल्यूम अंदर है? 20 वाटर में माइनस h1 रो w इंटू जी, v2 क्या हो जाएगा? इतना इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी बेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम। किरोसिन ऑयल में क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू h1 इंटू किरोसिन ऑयल कितना है? 0.6 रो w mg। m कितना हो जाएगा? 20 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू रो ऑफ द आइस इंटू जी। रो ऑफ द आइस को क्या पुट करेंगे बच्चों? 0.9 रो w। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, तुम लोग साथ साथ नहीं लिखते हो, इसलिए पीछे हो जाते हो। ए कैंसिल, ए हर जगह से कैंसिल, जी रो डब्ल्यू, जी रो डब्ल्यू, जी रो डब्ल्यू कैंसिल। सो 20 माइनस एच वन प्लस 0.6 एच वन दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 0.9। ध्यान से देखना बच्चों, दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व कर लो, 0.4 एच वन दैट इज इक्वल टू, इधर लेके आ जाएंगे 2 सेंटीमीटर। सो एच वन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर अपॉन 0.4 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो 5 सेंटीमीटर का कॉलम लेंथ हमें वाटर का पुट करना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर वाटर में होगा और 5 सेंटीमीटर ऑयल में, सॉरी ऑयल का लेयर 5 सेंटीमीटर का। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ में आया? चलो एक और सवाल कराते हैं। सर ऊपर की स्क्रीन नहीं दिखती। एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा अच्छा सा सवाल, बड़ा मजेदार सवाल है, हालांकि फिर से थोड़ा टफ है, किसी ने ट्राई तो किया नहीं होगा। तीन सवाल एच सी वर्मा का कराऊंगा, बाकी सब होमवर्क में दे दूंगा। अभी जो कराने वाला हूं शायद 9, 10 या 10, 11 और 8, 25, रेस्ट विल बी होमवर्क। सर 8th वाला है ना, उसका भी सी वाला नहीं समझ में आ रहा है, क्या है टॉर्क निकालने वाला? हाँ कभी रोटेशन पढ़ा रहा हूँ ना, टॉर्क। अच्छा रोटेशन स्टार्ट किया क्या तुम लोग एमबी बैच में, किया है कि नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है रोटेशन स्टार्ट करूंगा इसके बाद, ये वाला खत्म हो जाएगा। अच्छा क्यूब है, आइस क्यूब, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सीखना है बच्चों, मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और एक वेसल है, सर्कुलर वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल है, सर्कुलर बेस एरिया, रेडियस सपोज कैपिटल आर, और क्यूब का साइड लेंथ ए है।
अभी एम्प्टी है सिलेंडर, इनिशियली सिलेंडर इज एम्प्टी नाउ आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग नाउ आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एज्यूम द आइस मेल्ट्स uniformly from the all side so that its cubical shape maintained. क्यूबिकल साइज मेंटेन का मतलब हमेशा क्यूब ही रहा, क्यूबॉइड नहीं बना, कोई भी आर्बिट्री शेप नहीं ले रहा है, ये अजम्पशंस के साथ आगे बढ़ रहा है। फाइंड हाइट ऑफ द वाटर या साइज साइज ऑफ द क्यूब इन बीकर व्हेन आइस विल लीव कॉन्टैक्ट विथ बेस। प्रोफेसर क्यों लीव करेगा बच्चों, अगर ये मेल्ट होना शुरू हो गया तो कुछ देर बाद इसका साइज कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, सपोज इसका साइज जो हो गया वो एक्स रेड साइड लेंथ का हो गया, तो इससे जो वाटर फॉर्म हुआ ये वाटर ऐसे हो जाएगा, वाटर सपोज एच हाइट तक गया है, पूछा एच क्या है या एक्स क्या है, जो भी दोनों से कोई एक का आंसर बताना है। द मोमेंट आइस ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट, कब लेफ्ट करेगा आइस ब्लॉक, मतलब कब फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, पहले थोड़ा सा मिल्क है, थोड़ा सा वाटर आया, फ्लोट नहीं करेगा, वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा और एक समय फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों ये सवाल बहुत मजेदार है, पहले तो सवाल समझ में आना चाहिए। अथर्व तुम्हारा पहला लेक्चर है ना आज? यस सर। ठीक है, मुझे ये चीज नहीं पता चलता है, जब मॉर्निंग में लेक्चर्स हुआ कल तो लगभग 61-62 का स्ट्रेंथ लगता गया था इसमें, मुझे ध्यान नहीं, 57-68 जो भी है, आज तो एक नया बच्चा भी है, और अभी वाले लेक्चर में अटेंडेंस 10-12 कम होते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पापा घर पे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले बच्चे अटेंड करते हैं, उसके बाद मस्ती करते हैं, ऐसा है ना? किसका दोस्त नहीं अटेंड कर रहा क्लास अभी? चलो अभी अटेंडेंस लेता ही हूं मैं। चलो बच्चों तो सवाल पहले समझना बहुत जरूरी है, तभी ये होगा और बहुत टफ है। अच्छा पहले कंडीशन लेते हैं कि अगर ये फ्लोट करना शुरू किया तो एक्स और एच में क्या रिलेशन होगा, एज या पहले ऐसे लिखते हैं, अगर इसका साइज लेंथ एक्स हो गया है तो कितना हाइट वाटर होगा बीकर में,
find relation between x and h. क्या कंडीशन लिखोगे बच्चों? जैसे जैसे उसका साइड लेंथ कम होते जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा, तो x और h में रिलेशंस लिखना है. क्या कंडीशन अप्लाई करें? श्रीनिवास जोशी, क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? कुछ तुम लोगों ने सोचा? अच्छा, ये दिमाग खोलने वाली चीजें हैं, अच्छे से समझो. दिमाग भगवान ने दिए, उसको यूज करना है. तुम लोग यूज नहीं करते हो, स्पेशली मेडिकल बैच. कंडीशन ये रहेगा बच्चों कि जितना आइस मेल्ट होगा, वाटर भी उतना ही मास का फॉर्म होगा. मुझे लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं लिखा, यहाँ मास लिखूं या वॉल्यूम लिखूं, क्या होना चाहिए? शुभम कावेद, मास होना चाहिए या वॉल्यूम होना चाहिए? वॉल्यूम. सोच के बताना क्या कंजर्व रहेगा, मास या वॉल्यूम? मास. मास कंजर्व रहेगा बच्चों. वॉल्यूम क्यों रहेगा? आइस, अगर आइस का ब्लॉक है, मेल्ट होगा तो थोड़ा कम वाटर बनाएगा. आइस का डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम कम बनाएगा. सो मास विल बी इक्वल. ये कंडीशन ढूंढना है, ये कंडीशन खुद से लगाना है. दिस इज द टीचर की जरूरत यहाँ पे, ये है. सॉल्यूशंस तो हर कोई दे देगा. तो समझो बच्चों, मास विल रिमेन कंजर्व. व्हाट इज द मास? कितना मास मेल्ट हुआ? साइड लेंथ ए था, हो गया एक्स. बच्चों भगवान ने बहुत दिमाग दिए हैं. पहले वॉल्यूम था ए क्यूब आइस का, अब हो गया एक्स क्यूब बचा हुआ. इतना वॉल्यूम आइस का मेल्ट होगा. इज इट करेक्ट? श्रद्धा पवार, दिस मच वॉल्यूम ऑफ आइस मेल्टेड. पहले एक क्यूब था, अब एक्स क्यूब वॉल्यूम है, इतना मेल्ट हुआ. व्हाट इज द मास मेल्टेड? वॉल्यूम इनटू रो. इतना आइस मेल्ट हुआ है मास. वाटर का फॉर्म हुआ है बच्चों एच. इसका रेडियस है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. तो कितना वॉल्यूम बन रहा है इस फिगर में देखो, तो कितना वॉल्यूम बन रहा है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखू? पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच लिखू? इंटू रो डब्ल्यू. पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच रो डब्ल्यू. कौन सा ऑप्शन लिखू? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड? फर्स्ट. गलत. थर्ड इज द करेक्ट. सेकेंड और थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड. थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. ओके सर, कैसे? सुनना, ये वाटर कितने वॉल्यूम में है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया में है? तो देखो, एक्स स्क्वायर का बेस एरिया तो आइस ऑक्यूपाई कर रहा है. बेस है टोटल पाई आर स्क्वायर का, सिलिंड्रिकल वेसल था, उसमें से एक्स स्क्वायर का बेस किसके पास है? आइस के पास है. वाटर इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में है, और कितने हाइट तक है? इतना, इतना वॉल्यूम वाटर का बना इनटू रो डब्ल्यू, इतना मास बना. ये दोनों इक्वल होगा. तो बच्चों ये हो गया पहला इक्वेशन. पूछा एच, एक्स भी अननोन है, कैसे निकलेगा? एक ही क्वेश्चन है. ये तो किसी भी चीज के लिए वैलिड होगा, किसी भी केस में, शुरुआत में भी. बट पूछा है कि उस समय का x बताओ या उस समय का h बताओ जब वो फ्लोट करने वाला है. और जब फ्लोट करने वाला है, जस्ट अबाउट टू फ्लोट है, मतलब जब सरफेस को छोड़ने वाला है, तो उस केस में जो बॉयंसी फोर्स होगा mg के बराबर होगा. और बॉयंसी फोर्स क्या लिखेंगे?
बाइंसी फोर्स लिखेंगे बच्चों, बेस एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हाइट एच तक वाटर है, इतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस कर रहा है, इतना बॉयसी फोर्स लगेगा एक्स स्क्वायर एच, और वेट कितना है बच्चों, एक्स क्यू इंटू रो आई इंटू जी, ये हो गया एम जी। तो बच्चों यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जाएगा एच इंटू रो डब्ल्यू एक्स इंटू रो आई, देखो यहां से एच इंटू रो डब्ल्यू है, एक्स इंटू रो आई पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन टू। तो बच्चों वन एंड टू से, वन एंड टू से देखो क्या लिख रहा हूं, ए क्यू माइनस एक्स क्यू इंटू रो आई पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच रो डब्ल्यू, एच रो डब्ल्यू इज नथिंग बट एक्स रो आई। देखो बच्चों कुछ कुछ बच्चे ना रो आई रो डब्ल्यू का वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने की जरूरत नहीं है, रो आई कैंसल, ये माइनस एक्स क्यू, यहां भी माइनस एक्स क्यू चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा, एक्स यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ए क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है, कर लो इसको। अच्छा अगर मैं बात करूं अपेरेंट वेट क्या होता है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक वेइंग मशीन लिया, और वाटर में उसको हैंग करवाया, वाटर में डिप करके उसके वेट को मेजर कर रहा। बच्चों इसका वेट मेजर जो किया वो सपोज डब्ल्यू डैश किया है, मतलब वेइंग मशीन कितना दिखा रहा है वेट डब्ल्यू डैश, अगर इसी को एयर में मेजर करते डब्ल्यू कितना होता है एम जी के बराबर होता, ये डब्ल्यू हो गया बच्चों एक्चुअल वेट। अभी वाटर में डिप करके मेजर किया तो ये हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू डैश का हो जाएगा अपेरेंट वेट। मतलब मेजर इतना कर रहा है, और तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो डब्ल्यू डैश तुम बता सकते हो, डब्ल्यू डैश क्या है के एक्स डैश है। तो अगर सर इसमें फोर्स जो लग रहा है के एक्स डैश का ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है और बॉयसी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो क्या सारे बच्चे बता सकते हैं कि एक्स डैश प्लस बॉयसी फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स इसी को कहा डब्ल्यू डैश अपेरेंट वेट दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बॉयसी फोर्स, या बॉयसी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, और इसको कभी कभी ना लॉस इन वेट भी बोलते हैं। मतलब जब हम एयर में मेजर करें तो इतना वेट दिखाया, जब वाटर में मेजर किया तो कम वेट दिखाया, तो घटा कितना वेट से लॉस इन वेट, लॉस इन वेट जो है वो किसके बराबर है बॉयसी फोर्स के बराबर।
तो यहां तक लिख लो। अच्छा एक सवाल दे रहा हूं, ए ब्लॉक वेज 50 न्यूटन इन एयर व्हाइल 12 न्यूटन इन वाटर, देन फाइंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक मटेरियल, एज्यूम द ब्लॉक इज सॉलिड। ठीक है ना बच्चों, यहां से बताना कि ये बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा। बॉयंसी फोर्स 3 न्यूटन। मुझे निकालना स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे निकालना स्पेसिफिक ग्रेविटी? उसका वेट पता है, एमजी कितना है 50 न्यूटन। बॉयंसी फोर्स 3 न्यूटन, एमजी 50 न्यूटन। यहां तक मैं किसी को डाउट इस क्वेश्चन से हमें इतना बता सकते हैं। क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है बच्चों? बॉयंसी फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड तो जो बॉडी का वॉल्यूम वही उसका रहेगा, इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी डिवाइड बाई एम जी। क्या हो जाएगा? वी इंटू रो ऑफ द मेटेरियल इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 1/5। बच्चों इज इट करेक्ट? है ना बच्चों? यहां से क्या आ गया, रो बाई रो डब्ल्यू कितना आ जाएगा? उल्टा कर दो 5। तो अब मैं एक फॉर्मूला टाइप का मैं डिराइव कर देता हूं। सारे बच्चे सुनना, अभी बॉयंसी फोर्स कितना आया तुम्हारा? W एक्चुअल वेट माइनस W डैश अपेरेंट वेट। और अगर मुझे निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो W अपॉन, देखो दिस अपॉन दिस हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी विथ वाटर। W अपॉन बॉयंसी फोर्स, इज इट क्लियर? देखो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा W अपॉन V, मतलब W अपॉन B क्या होगा? W माइनस W डैश, दिस इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, या कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। वाटर के साथ है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसी कहते हैं, अगर किसी अदर लिक्विड के साथ है तो रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू द लिक्विड। जैसे अगर फटाफट तुम्हें आंसर करना था स्पेसिफिक ग्रेविटी,
इस सवाल में पूछा था ब्लॉक का, तो जिनको रट्टा ही मारना है मेडिकल में तो वो कहेंगे W इज 15 अपॉन W 15 माइनस W डैश 12 दैट इज इक्वल टू 5। बिना दिमाग लगाओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू दिस। इज इट क्लियर मेडिकल में ऐसे सवाल आते हैं। W डैश क्या है? अपरेंट वेट इन वाटर। W क्या है? एक्चुअल वेट या वेट इन एयर। बच्चों एक सवाल जेई के बुकलेट में रहता है, मेडिकल में भी हो सकता है और पूछ सकता है, बड़ा फेमस सवाल है कि एक वेइंग मशीन पे ना एक बीकर में वाटर रखा हुआ है। सुनना, ये कंसेप्ट वाला सवाल है जो एनएससीपी केवीपीवाई नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए। एनएससीपी में तो ऐसे सवाल आते हैं बिकॉज रिपीटेड सवाल आते हैं। अभी ये वेइंग मशीन या बीकर का वेट मेजर कर रहा है, विच इज मेजरिंग W1 वेट, और एक ना स्प्रिंग बैलेंस से एक मास को हैंग करा दिए है और ये मेजर कर रहा है W2, मतलब ये एयर में मेजर कर रहा है W2। और ये वेइंग मशीन मेजर कर रहा है W1, ये वेइंग मशीन 1 और ये स्प्रिंग बैलेंस 2। नाउ The block is dipped in water. Block को क्या किया? Water में dip कर दिया। बच्चों मैं diagram draw कर रहा हूं, तुम भी थोड़ा draw करना, थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा चीज पढ़े। एक weighing machine ऐसे बनाओ, ये पानी है और ब्लॉक को क्या कर दिया बच्चों? इसको डिप कर दिया इसमें। ये स्टैंड है, स्टैंड कर दिया इसको। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब इसका मेजरमेंट जो है वो W2 डैश है और इसका मेजरमेंट जो है W1 डैश है। और बता रहा हूं मैं, ये सारे बच्चों को आता है, सारे बच्चों को। सिर्फ वो समझे कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम तो कॉमन सेंस ऐसे नॉर्मल सा चीज पढ़ रहे हैं। वो सारे बच्चे जवाब देंगे, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। पहला सवाल ए, बच्चों यहां पे पुट कर, पुट करना है W1 डैश और W1 में क्या रिलेशन होगा। दूसरा सवाल है W2 डैश और W2 में क्या रिलेशन होगा, और तीसरा सवाल है W1 डैश प्लस W2 डैश
और W1 प्लस W2 में क्या लेस होगा? बच्चों देखते हैं कितने बच्चे तुम लोग दिमाग लगाते हो। ऑप्शंस में फिल करना है, फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटर, सेकंड ऑप्शन लेसर, थर्ड ऑप्शन इक्वल, फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट कम इन। कहने का मतलब तुझे नहीं आता है कि क्या होगा, तो तुम्हें आंसर बताना है। वन का क्या होगा, एक दो तीन चार, बी का क्या होगा और सी का क्या होगा। दिस इज योर आंसर, बटन यू हैव टू आंसर। देखते हैं, प्रथमेश ने बता दिया, और हर्षल ने भी लगता है बता दिया सही सही। प्रथमेश तुम्हारा पहला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, तीसरा ऑप्शन चेक करो, और कोई? यस प्रथमेश, नाउ यू आर करेक्ट। देवकी, देवकी करेक्ट। हर्षल तुम्हारा पहला करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। बस इतने बच्चे आंसर किए। अच्छा तुम लोग की मम्मी बगल में बैठी होगी ना, मम्मी को बुला लो और पूछ लो, वो आंसर कर देगी, पक्का मैं बता रहा हूं। देखो स्प्रिंग बैलेंस W2 मेजर कर रहा है एयर में, और जब वाटर में डिप करेंगे तो W2 थोड़ा कम मेजर करेगा, कम मेजर करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, W2 होगा लेस होगा, तो बी का 2। अब ये कम क्यों मेजर करा है, क्योंकि वाटर ने इस पे ऊपर फोर्स लगाया है, जब ये ऊपर फोर्स लगाया है बच्चों वाटर ने, तो ये ब्लॉक वाटर पे किधर फोर्स लगाया होगा, नीचे, तो जितना से इसका कम होगा ना, ये वाटर बीकर थोड़ा नीचे फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा बच्चों, W1 जो है ये थोड़ा ज्यादा मेजर करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक कुछ फोर्स लगा रहा है, और नहीं तो ऐसे भी सोचो कि अगर ये डिप किया तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा मेजर करेगा, और कितना ज्यादा मेजर करेगा, जितना ये कम मेजर करेगा उतना ये ज्यादा मेजर करेगा, मतलब जो एक्चुअल वेट पहले दोनों का था वो इतना था और बाद में भी ये सेम ही रहेगा, बिकॉज जितना ये कम होगा W1 जितना बढ़ेगा उतना ही W2 कम हुआ होगा, उतना ही, सो ये साइन इक्वल होगा। अच्छा एक सॉलिड ब्लॉक है और इसमें दो बॉडीज हैं M1 एंड M2, दो टाइप का मटेरियल को मिक्स करके एक मटेरियल बनाया। अगर एक मटेरियल का डेंसिटी ρ1 है, दूसरे का डेंसिटी ρ2 है, एक का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, तो अगर सर बहुत ही सिंपल, M1 मटेरियल जो है उसका वॉल्यूम और प्लस M2 जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम। अगर इस ब्लॉक का पूछा जाए व्हाट इज एक्चुअल वेट,
ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। एक्चुअल वेट दैट इज वेट इन एयर, कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। बट अगर अपरेंट वेट पूछू, वेट इन वॉटर, अपरेंट वेट इन वॉटर w डैश, वो कहोगे एक्चुअल वेट माइनस बॉयसी फोर्स, या अपरेंट वेट की जगह लॉस इन वेट कर देते हैं। अपरेंट वेट की जगह मैं लॉस इन वेट लिख लेता हूं। लॉस इन वेट किसके बराबर होगा? बॉयसी फोर्स के बराबर। बॉयसी फोर्स कितना होगा बच्चों? टोटल वॉल्यूम इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और एचसी वर्मा का सवाल सॉल्व करने के लिए कहूंगा। टोटल वॉल्यूम कैसे लिखेंगे बच्चों? एम वन बाय रो वन प्लस एम टू बाय रो टू इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वन अपॉन ये रो वन बाय रो डब्ल्यू हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वन, रो वन बाय रो डब्ल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वन प्लस एम टू बाय रो टू बाय रो डब्ल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टू इंटू जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द बॉयसी फोर्स। कुछ कंडीशन अगर दिया रहेगा तो तुम निकाल सकते हो। तो बहुत मजेदार सवाल है, एचसी वर्मा का शायद नाइन्थ या टेंथ, जहां पे एक ऑर्नामेंट्स के बारे में कहा है। कोई बुक खोल के देखो, कौन सा नाइन्थ या टेंथ जो भी रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन ने बताया, नाइन्थ सर, नाइन्थ। ठीक है, नाइन्थ है। नाइन्थ में मैंने कुछ बता रहा हूँ कि क्या है ये सवाल, बहुत मजेदार सवाल है बच्चों। कहा कि एक ऑर्नामेंट है और उसका वेट 36 ग्राम है एयर में, मतलब तो एक्चुअल वेट दे दिया, और कहा कि वाटर में उसका वेट जो है वो है 34 ग्राम। एक ऑर्नामेंट है जिसका वेट वाटर में 34 ग्राम है, इसका मतलब कह सकते हो कि उस पर जो लॉस हुआ वेट का, यह बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा? 2 ग्राम वेट के बराबर होगा, होगा कि नहीं? अब कहा कि ऑर्नामेंट मेरे कुछ मास कॉपर का है और कुछ मास गोल्ड का है, मिक्स है, मतलब मिक्स है कि नहीं ये पता करना। अगर मिक्स है तो कितना मिक्स है कॉपर? तो एक ज्वेलरी शॉप पे तुम गए और मम्मी ने, तुम्हारी मम्मी ने एक ऑर्नामेंट खरीद के लाया और तुम मम्मी को बताना चाहते हो कि मम्मी मैं बता दूंगा कि इसमें मिक्सिंग है या मिक्सिंग नहीं है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट विल टेल यू कि कितना ग्राम कॉपर उसमें मिक्स्ड है। तुमने एयर में मेजर किया 36 ग्राम, उसी को वाटर मेजर किया 2 ग्राम, मान लो कि m ग्राम कॉपर मिक्स है सपोज, तो बच्चों 36 ग्राम में से m ग्राम कॉपर है तो गोल्ड 36 ग्राम है, और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड, ये हो जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड प्लस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कॉपर, और ये टोटल वॉल्यूम
इंटू रो डब्लू इंटू जी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 2 ग्राम वेट के बराबर। जी जी तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब इस ये इक्वेशंस लिखोगे ना तो इससे m का कुछ वैल्यू आ जाएगा। अगर मिक्सिंग नहीं रहेगा तो m जीरो हो जाएगा, मिक्सिंग है तो m का कुछ वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आ रहा है सर, m का कुछ वैल्यू आ जाता है। अगर m का कुछ वैल्यू आ गया तो तुमने कहा कि मम्मी जहां से तूने ज्वेलरी लाई वह ज्वेलरी शॉप वाला ने कॉपर मिक्स कर दिया, मतलब आपके फेथ जो था वो टूट गया, मम्मी को विश्वास नहीं हुआ। बट बेटा तो साइंस पढ़ रहा, बेटा कहा तो जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी मम्मी चली गई ज्वेलरी शॉप में, बोली मेरा बेटा ऐसा ऐसा पढ़ाई किया और बता रहा है कि मिक्सिंग है, उसने एक्सपेरिमेंट किया एम इतना रहा। अब बच्चों ज्वेलरी शॉप वाला सोचेगा कि यार मैंने तो मिक्सिंग किया नहीं, मैंने तो मिक्सिंग किया नहीं है, बट इनका एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है, मतलब गड़बड़ी क्या हुई। ज्वेलरी शॉप वाला भी अपने बेटा को साइंस पढ़ाने के लिए भेज दिया रेफरेंस में, वो भी पढ़ रहा है। उसने अपने बेटा को कहा बेटा देखो ऐसा ऐसा दिक्कत है, देखो ये ज्वेलरी शॉप में मैंने तो मिक्सिंग नहीं किया बेटा, लेकिन ये गलत दिखा रहा है। तो ज्वेलरी शॉप का बेटा ने क्या आंसर दिया है वो 10th क्वेश्चन में है, तुम लोग उसको पढ़ना, उसको समझना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो आज का क्लास मैं यही फिनिश कर रहा हूं बच्चों। अभी जो बचा हुआ सिलेबस में वो बचा हुआ है पास्कल लॉ, बहुत छोटा सा है, इसी में हाइड्रोलिक लिफ्ट से सब डिस्कस करेंगे। दूसरा बचा हुआ है याद दिलाना बर्नौली इक्वेशन, कौन सा बर्नौली इक्वेशन तो आगे है। बैरोमीटर और मैनोमीटर जो केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, बैरोमीटर पढ़ चुके, बट एक बार और पढ़ा दूंगा। तीसरा कॉन्सेप्ट इनफैक्ट इससे पहले पढ़ाऊंगा, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फ्लोटेशन इन इक्विलिब्रियम, फ्लोटेशन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और एक चौथा सिफॉन सिस्टम, इसको रहने दो अभी, ये चीज तुम्हें पढ़ना और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।